इकाई 8 चतुर चूहा का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने चतुर चूहा की कहानी देखी। आज हम उस इकाई के अभ्यास और स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्नों से। प्रश्न 1, ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी, बाद में आप भी बोलना और यह लिखना भी है। पहले है छ से बने हुए शब्द, यानी कि आधा च और छ। तो पहला शब्द है स्वच्छ। क्या है? स्वच्छ। उसके बाद मच्छर, मच्छर। अच्छा, अच्छा। इच्छा, इच्छा। उसके बाद है उसे बने हुए शब्द बुलाऊंगा, पिटवाऊंगा, जाऊंगा। उसके बाद है इसे बने हुए शब्द कढ़ाई, पढ़ाई, बधाई। उसके बाद है ध्या से बने हुए शब्द, यानी कि ध आधा है और यह पूरा है। अयोध्या, ध्यान, स्वाध्याय, अध्याय। उसके बाद है व्य से बने हुए शब्द, यानी कि व आधा है और यह पूरा है। व्यसन, व्यापारी, वायव्य, कर्तव्य। तो बच्चों, इस शब्दों को आपको बुक में लिखना भी है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्र का मौखिक वर्णन कीजिए। मौखिक यानी आपको बोल के ही वर्णन करना है, इसको लिखना नहीं है। तो देखिए आपको चित्र में क्या दिख रहा है। यह किसका चित्र है? यह हाई स्कूल का चित्र है। और आपको हाई स्कूल कितनी बड़ी दिख रही है? हाई स्कूल में बच्चे हैं या बड़े हैं? लड़के हैं, लड़कियां हैं? कितने हैं? अच्छा, वो सब क्या कर रहे हैं? यह सब आपको देखकर वर्णन करना है। और बच्चों के अलावा आपको और क्या दिख रहा है? नीचे घास है या फिर कुछ और है? कौन कौन सी गेम बच्चे खेल रहे हैं? इस सब का मौखिक यानी कि बोल के आपको वर्णन करना है। प्रश्न 3, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। अभिनय करना है ना सबको, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे वैसे आप सबको करना है। तो चलिए खड़े हो जाइए। पहली सूचना है दौड़ना। वेरी गुड। दूसरा है तीर छोड़ना। बहुत ही अच्छे। उसके बाद है साइकिल में हवा भरना। वेरी गुड। उसके बाद है गन्ना चूसना। अरे आप तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो। थैंक यू टीचर। उसके बाद है पानी भरने के लिए हैंडपंप हिलाना। अरे वाह, मटका भी रखा है। हाँ टीचर। और आखिर में है लड्डू खाना। अरे वाह, मजा आया। हाँ टीचर। अब हम स्वाध्याय के सवाल देखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं। प्रश्न 1, चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया? जवाब है, चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। दूसरा, चूहे ने दर्जी से क्या कहा? चूहे ने दर्जी से कहा
इस कपड़े की टोपी सी दे। तीसरा, कसीदाकार क्या सुनकर घबराया। कसीदाकार कचहरी में जाने की चूहे की बात सुनकर घबराया। चौथा, कसीदाकार क्या करता है। कसीदाकार कसीदा काटता है। पांचवा, चूहा कब खुश हुआ। टोपी पर काढ़ा हुआ कसीदा देखकर चूहा खुश हुआ। प्रश्न दो, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए, जिसमें पहला है चूहा। चूहा बिल में रहता है। दुकान, दुकान में कई चीजें मिलती है। सिपाही, सिपाही थाने में रहता है। दर्जी, दर्जी कपड़े सीता है। कसीदाकार, कसीदाकार ने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। बच्चों, इसमें एक शब्द बाकी है, टोपी। टोपी का वाक्य आपको अपने हिसाब से बनाना है और लिखना है। प्रश्न तीन, अगर चूहा धोबी की दुकान पर जाता तो क्या कहता। सोचिए, चूहा किस किस की दुकान पर गया है। एक तो दर्जी की दुकान पर और दूसरा कसीदाकार की दुकान पर। दर्जी की दुकान पर चूहे ने क्या बोला था। बोला था कि इस कपड़े को टोपी सी दे। कसीदाकार की दुकान पर जाकर क्या बोला था। इस टोपी में कसीदा काट दो। यानी कि चूहे ने जिसका जो काम था उसको वह काम करने के लिए बोला था। अब सोचिए, अगर चूहा धोबी के पास जाता तो वह क्या बोलता। आपको क्या लगता है। वो यह कहता कि इस कपड़े को धो दो। आपको अपने हिसाब से सोचना है और आपको जो लगे वह इसमें लिखना है। प्रश्न चार, अगर दर्जी और कसीदाकार चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा क्या करता। आपको याद है ना, जब चूहे ने कहा था दर्जी को और कसीदाकार को कि ये टोपी सी दो और इस पर कसीदा काट दो, तब दर्जी और कसीदाकार पहले नहीं माने थे। उसके बाद चूहे ने धमकाया था और उसके बाद वह दोनों डर कर मान गए थे। पर आप सोचिए, अगर वो दोनों चूहे की बात सुनकर डरते ही नहीं तो फिर चूहा क्या करता। आपको क्या लगता है कि चूहा सही में जाकर कचहरी में जाता और सैनिक को ले आता, या फिर चुपचाप चला जाता, या फिर वो कोई तीसरा उपाय निकालता जिससे उसका काम हो जाए। वो उपाय क्या होगा वह आपको खुद सोचना है। और इसमें भी आपको जो लगता है कि चूहा क्या करता वह ही इसमें लिखना है। तो यहाँ पर ये वाला इकाई समाप्त होता है। आपको इकाई को पढ़ना है और सवाल जवाब अच्छे से समझना है। अगले वीडियो में हम नए इकाई के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।